हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो मिली बग को हटाने के लिए है। तो मैं आपको दो आसान तरीके बताऊंगी जो कि मिली बग को हटाने में आपकी मदद करेगा। वो फ्री के तरीके हैं और कारगर भी हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। गाइस, जो भी प्लांट आपका मिली बग से ग्रसित है, जैसे कि ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, और हिबिस्कस प्लांट और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर मिली बग का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, जैसे गेंदा हो गया, हिबिस्कस हो गया, और ये हिबिस्कस लगते हैं इस तरीके से, देखिए, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है और कलियाँ आती हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस एरिया को एकदम से ख़राब कर देते हैं। ये ना प्लांट ग्रो कर पाता है और ना ही इनमें कलियाँ आती हैं, इवन इनके पत्ते भी पीले होने लगते हैं। तो आपको करना ये है कि जो हमारे घरों में सोप यूज़ होता है, शैम्पू, अगर साबुन भी है डिटॉल का या लाइफबॉय है, तो उसे आप पानी में घोल लीजिए और उसे स्प्रे वाटर में डाल के स्प्रे कर दीजिए। तो उससे आप देखेंगे कि ये जो जर्म्स वगैरह हैं, जो वाइट मिली बग हैं, वो मर जाते हैं। तो ये था एक तरीका। अगर आपके पास डिटॉल या लाइफबॉय साबुन नहीं है तो आप किसी भी साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दो साबुन आपको मिल जाते हैं, उसे एक घोल बनाकर स्प्रे करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि डिटॉल और लाइफ बॉय साबुन में जर्म्स को मारने की क्षमता ज़्यादा होती है। दूसरा मेरा तरीका है कि आप अपने हिबिस्कस प्लांट की ऊपर की टिप, ये जो जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, इसे आप कट करके कहीं दूर फेंक दीजिए। उसके बाद इस प्लांट को स्प्रे, पानी, जो स्प्रे के जरिए हम पानी देते हैं, उससे खूब तेज़ी से इस पर पानी फुहारा मारिए, जो कि थोड़े बहुत स्प्रे जो भी थोड़े बहुत मिली बग कहीं कहीं होंगे वो हट जाएंगे। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा ही था, लेकिन हमारे यहाँ देखिए बारिश हुई है तो ये कम हो गया है, और ये जब पूरा हट जाए, और जो भी आपने मिली बग से ग्रस्त डाली काटी है उसे आप कहीं दूर फेंक दीजिए। इस प्लांट को पूरी तरीके से स्प्रे से बढ़िया से धोने के बाद आप इस पर वुड ऐश का छिड़काव कर दीजिए। वुड ऐश एक कीटनाशक के तौर पे भी यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है, और भीगे हुए प्लांट के ऊपर ये चिपक जाएगा वुड ऐश, और आपकी जो मिली बग वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे। तो मैं जो पहला बताई थी कि साबुन और ये सब चीज़ें यूज करने के लिए, तो उसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करिए, आपको ज़रूर से रिजल्ट मिलेगा। और जो वुड ऐश वाला बता रही हूँ, ये भी, इसका भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप हफ्ते में 2 टाइम कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, और ये काम करना है आपको शाम के टाइम। आपको प्लांट को अच्छे से जहाँ जहाँ ये मिली बग लगा हुआ है उसे आप कट करके फेंक दीजिए। उसके बाद प्लांट को अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद जब प्लांट की पत्तियाँ, स्टेम गीले हो जाएँ, तो उसके ऊपर आप बहुत सारा पेपर जला के उसकी राख बना लीजिए, या फिर जो काउ डंग होता है उसको जला कर राख बना लीजिए, या आपके पास लकड़ी है तो उसका राख बना लीजिए। राख को किसी चीज़ से पीस कर उसे बारीक पेस्ट बनाकर फिर इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़काव कर देंगे, तो गीले पत्ते पे वुड ऐश बहुत ही आसानी से चिपक जाती है और बहुत ही अच्छे से अपना काम करती है। अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, एक कली है जिसके ऊपर मिली बग लगा हुआ है, लेकिन इस मिली बग के बुरे असर की वजह से ये देखिए किस तरीके से कली ग्रो नहीं हो रही है और कली टेढ़ी भी हो गई है। दूसरी बात ये भी मैं बता दूँ, मिली बग एक ऐसा कीटाणु होता है जिसके ऊपर आप देखेंगे कि वाइट वाइट सा रहता है, तो ये पाउडर होता है जो कि इसे बाहरी चीज़ों से सेफ रखता है। अगर कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र कभी कभी यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये नहीं जाता है, तो इसका यही रीज़न होता है कि इसके ऊपर जो वाइट लेयर होती है वो बचाती है उन केमिकल वाली चीज़ों से। तो कभी कभी फ्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उतना अच्छा असर नहीं होता है जितना कि फ्री की चीज़ों का हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर से मदद पहुँचाएँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।